हेलो एवरीवन, मैं हूं मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो इस वीडियो का जो है बहुत ही बेसब्री से वेट किया जा रहा था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ जल्दी से रिव्यू कर दें, जल्दी से रिव्यू कर दें। एक तो कोई भी चीज़ में अगर अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोगों के सामने तो बस आप लोगों को फ़ौरन लग जाती है कि आप जल्द से जल्द इसका रिव्यू कर दें। तो यहाँ जो है मैं बात कर रही हूँ, टाइटल से पता चल ही गया होगा, स्किन डीप की बात कर रही हूँ, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अनबॉक्सिंग करी थी क्लिंजर की और आई सीरम की। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आई सीरम पूरी बॉटल है, पूरी वैसी की वैसी ही है। ठीक है, और जो सीरम सॉरी क्लिंजर जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ क्लिंजर से। पैकेजिंग आप देख रहे हो कि पैकेजिंग बहुत प्यारी है, पम्प कैप के साथ ये बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है। अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शेयर की हुई है, अगर वो नहीं देखी तो वो भी आप लोग देख सकते हो। इसका नाम है स्किन डीप रिकवर रिजुविनेट रिवाइव क्लेरिफाई ऑर्गेनिक रिजनरेटिंग क्लिंजर डेली क्लिंजिंग ट्रीटमेंट हैंडमेड। ठीक है, 50 ml की ये बॉटल है। अब कलर वगैरह मैंने सब बता दिया था, दोबारा से जल्दी से बता देती हूँ। ब्राउन कलर है इसका, बहुत लाइट सा उस तरह का कलर है जैसा कि लाइटक्स फेस वॉश का उस तरह का इसका कलर है। फ्रेग्रेंस अच्छी है, माइल्ड सी है। काम कैसे किया झटपट से बता देती हूँ कि देखिए, ये क्लिंजर जो है इसका रिज़ल्ट आने से पहले ही ये क्लिंजर ख़त्म हो गया, जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, ये क्लिंजर ख़त्म हो गया है। और अब आप सोच रहे होगे कि 50 ml का इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूँ कि इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि इसके एक पम्प, दो पम्प, यहाँ तक कि तीन पम्प भी इनफ नहीं है लेदर क्रिएट करने के लिए। मतलब जो अच्छे से फॉर्मिंग बनती है या झाग बनता है जिससे हम फेस पर क्लिंजिंग करते हैं, कम से कम इसके चार पम्प हमें चाहिए होते हैं लेदर क्रिएट करने के लिए। जब चार पम्प हम, एक तो हमारा जो फेस है वो वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, हाथ भी हमारे गीले होने चाहिए, फिर हम चार पम्प करेंगे उससे, फिर इस तरह से हम दोनों पाम में उसको रब करेंगे तो वो बहुत हल्का फुल्का सा लेदर जो है वो क्रिएट करेगा, जिससे फील होगा कि हाँ हमारी क्लिंजिंग हो जाएगी। तो फिर उसकी हेल्प से जो है हम फेस की क्लिंजिंग करते हैं। मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, और मैं मतलब डेमो नहीं कर पाई इसका आप लोगों के सामने कि मैं इसका जो है फेस वॉश करती, आप लोगों के सामने क्लिंजिंग करती, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस समझ गए हो गए आप लोग कि इसका अगर हम तीन पंप लेते हैं वो भी इनफ नहीं है क्लिंजिंग के लिए फेस की, कम से कम चार पंप हम लेंगे। जब इतनी क्वांटिटी हो जाएगी प्रोडक्ट की तो फिर हम उसको हाथों में करके जब हम फेस पर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कुछ क्लिंजिंग हो रही है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपका फेस जो है वो क्लीन हो रहा है। और रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने अपने पैसों से ख़रीदा हुआ है ये प्रोडक्ट, कोई पेड रिव्यू नहीं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, इसीलिए मैं सच्ची बात करती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ। मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, वही बात कहूँगी कि रिज़ल्ट आने से पहले ही प्रोडक्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी लेना या ना लेना ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, जो मेरा था साथ में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैंने बता दिया इसके बारे में। मैं रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि रिज़ल्ट आने से पहले ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया और मैं दोबारा इस प्रोडक्ट को बिल्कुल परचेज़ नहीं करूँगी। इतना एक्सपेंसिव और वही कि इतना ज़्यादा क्वान्टिटीज़ की लेनी पड़ती है वन टाइम फेस को क्लीन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके आई सीरम की। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा ऐसे ही है, आप ही ने यूज़ नहीं करा। तो मैंने इसको 3 दिन यूज़ करा है, उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया है। वो इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसमें सारे ऑयल्स ही हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी ऑयली स्किन है, तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेकर अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ओवरनाइट जो है मतलब पूरी रात में वो बहकर यहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स हो गए। ये देख सकते हो आप, ये मुझे पिंपल्स हो गए हैं सिर्फ इस ऑयल की वजह से। और आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मैंने कितना महंगा ट्रीटमेंट लिया है अपनी स्किन के लिए, एक्ने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती इस ऑयल को यूज़ करने की। सिर्फ 3 दिन मैंने यूज़ करा और 3 दिन में मुझे यहाँ भी एक्ने हो गया और मुझे यहाँ भी एक्ने आ गए, पिंपल्स आ गए, तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई उसको यूज़ करने से, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती कि इसके रिज़ल्ट कैसे होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली है क्योंकि इसमें ऑयल ही शामिल है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए टोटल ये ऑयल है, मैं यहाँ आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, इसकी अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, चिपचिपा सा है, ये ऑयल है ये पूरा, ये देख सकते हैं, ये देख सकते
तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेकर अगर मैं उसको लगा रही हूँ तो रात भर बह के जो है ना वो पूरे फेस पर आ रही है, जिसकी वजह से मुझे एक्ने हो गई है, ये देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, मुझे ये बिल्कुल भी वही सूट नहीं कर रहा। आंखों का मैं क्या कहूँगी, मेरी स्किन ने इसने डैमेज कर दी, पिंपल्स मुझे हो गए इसकी वजह से। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं करा, इसलिए मैं इसके रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि ये डार्क सर्कल्स के लिए कैसा वर्क करेगा कैसा वर्क नहीं करेगा। हाँ, मैं इसको जो है अपनी सिस्टर को दे दूँगी, अगर उसको सूट करा तो फिर मैं उसके रिज़ल्ट उससे पूछ कर फिर ज़रूर आगे मैं फ्यूचर में मैं जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर उसको रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।